खेल, वैसे तो आपने बहुत से गेम देखे होंगे, खेलते भी होंगे, जैसे वॉलीबॉल, खो खो, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, रेसलिंग, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स वगैरह। लेकिन एक खेल कबड्डी भी है। कबड्डी खेल भारतवर्ष का बहुत प्राचीन खेल है। इस खेल का वर्णन महाभारत में भी मिला है कि कृष्ण जी भी इस खेल को खेला करते थे। इस खेल में सबसे बड़ी खूबी है कि जो श्वास क्रिया है, जो हमारे टाइम में योगी मुनि भी मतलब श्वास क्रिया करते थे, उस श्वास क्रिया से हमारा फेफड़े जो है उसको ताकत मिलती है और शरीर को काफ़ी बल मिलता है, इसलिए इस खेल को ज़्यादातर पसंद करते हैं। सबसे पहले 1923 में ये एक समिति बनाई गई, एक एसोसिएशन टाइप एक समिति बनाई गई महाराष्ट्र के अंदर, ताकि इसके रूल रेगुलेशन बनाए जा सके। उससे पहले ये नेशनल लेवल पर हर स्टेट में अलग अलग नाम से थोड़ा सा भिन्न रूप में खेली जाती थी। इस खेल को भारतवर्ष के अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से खेला जाता है। कहीं जैसे महाराष्ट्र है उसमें हुतुतू के नाम से खेला जाता है, केरल में वनकली के नाम से खेलते थे, दक्षिण भारत में चुड्डू गुड्डू के नाम से खेलते थे, बंगाल साइड में डूडू के नाम से खेलते थे, उत्तरी भारत में कबड्डी कबड्डी का प्रयोग होता था। धीरे धीरे इस खेल का आगे बढ़ा हुआ पंजाब में इसको कौन बड़ा के नाम से खेलते थे, एक लाइन बना लेते थे, उसमें देख बोलते थे कि कौन बड़ा कौन बड़ा, उस कौन बड़ा शब्द से ये कबड्डी शब्द लिया गया है और इसका नाम प्रॉपर कबड्डी शब्द डाला गया है। उसके बाद फर्स्ट टाइम 1936 के अंदर बर्लिन ओलंपिक के अंदर एक डेमोंस्ट्रेशन मैच कराया गया, जिसका श्रेय जाता है हनुमान मंडल अमरावती को। उसने दो टीमों का चयन किया और जो रूल रेगुलेशन फिलहाल बनाए गए हैं, चल रहे हैं, उसी के तहत एक डेमोंस्ट्रेशन 1936 के अंदर ओलंपिक के अंदर एक डेमोंस्ट्रेशन किया गया था। उसके बाद 1952 में पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ, 1955 में पहला महिला नेशनल चैंपियनशिप हुआ और 1962 में पहला नेशनल स्कूल गेम स्टार्ट हुए और वहाँ से चल के 1982 के अंदर जो एशियाड दिल्ली के अंदर हुआ था उसके अंदर एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया था। 1985 के अंदर सेफ गेम का आयोजन हुआ जिसमें अनेक देशों ने इसमें भाग लिया। उसके बाद एशियाड के अंदर फर्स्ट टाइम 1990 में एशियाड के अंदर ये गेम इंक्लूड हुआ और एशियाड में पिछले तीन एशियाड से इंडिया की टीम एशियन चैंपियन है। वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर अब तक इस गेम ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। हिंदुस्तान में ये गेम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, गांव-गांव में इसको खेला जाता है। इसके खेलने से व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त होता है, क्योंकि ये सांस लेने की प्रतिक्रिया इसके अंदर चलती है जिसको कांट बोलते हैं, तो लंबा सांस लेने से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मजबूत होता है और उससे उसी का कारण है कि कबड्डी खेलने वाले सारे खिलाड़ी शारीरिक रूप से मजबूत मिलते हैं। कबड्डी के खेल का मैदान समतल आयताकार होता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए कबड्डी के मैदान का आकार अलग अलग होता है। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की लंबाई 12.5 मीटर होती है और चौड़ाई होती है 10 मीटर। मैदान के बीचों बीच सेंटर लाइन होती है, इसे मध्य रेखा कहते हैं। मध्य रेखा के दोनों ओर 3.25 मीटर के अंतर पर दो रेखाएं खींची जाती हैं, जिन्हें वॉक लाइन कहते हैं। चौड़ाई की रेखा को लंबवत और लंबाई की रेखा से 1 मीटर दूर उसी समांतर पर दो रेखाएं मैदान पर खींची जाती हैं, ये लॉबी कहलाती है। पुरुषों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र 8 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा बनाया जाता है और मैदान के पीछे की रेखा से 2 मीटर की दूरी पर अंकित किया जाता है।
मैदान पर खींची रेखा की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है, जो चूने से लगाई जाती है। जूनियर खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए मैदान की लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर होती है। मैदान के बीचों बीच सेंटर लाइन होती है। इस रेखा को सेंटर लाइन यानी मध्य रेखा कहते हैं। मध्य रेखा के दोनों ओर 2.5 मीटर की दूरी पर दो रेखाएं खींची जाती हैं, जो वॉक लाइन कहलाती हैं। चौड़ाई की रेखा को लंबवत और लंबाई की रेखा से 1 मीटर दूर उसी समांतर पर दो रेखाएं खींची जाती हैं, ये लॉबी कहलाती है। प्रतीक्षा क्षेत्र की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होती है। मैदान के पीछे की रेखा से ये 2 मीटर दूर होता है। मैदान में मध्य रेखा से कटे भाग प्रत्येक टोली का कोट या पाला होता है। कबड्डी के खेल व मैदान का संचालन करने के लिए एक निर्णायक यानी रेफरी होता है। खेल शुरू होने से पहले रेफरी खेल के नियम बताता है। खेल के मध्यांतर पर स्कोर और समाप्त होने पर परिणाम की घोषणा करता है। रेफरी सीटी बजाकर मैच शुरू करवाता है और रेफरी की सीटी से ही मैच की समाप्ति होती है। मैच का संचालन रेफरी करता है। रेफरी मैच में अंतिम 5 मिनट बचने पर हर मिनट की घोषणा करता है। रेफरी का निर्णय अंतिम होता है। यदि दोनों अंपायर में मतभेद हो जाता है तो रेफरी आवश्यकता पड़ने पर निर्णय बदल सकता है। अंपायर दो होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत लॉबी के बाहर खड़े होते हैं। अंपायर खेल को नियमानुसार खिलवाते हैं। जिस टोली का खिलाड़ी अंक बनाता है उस टोली के अंक हाथ के संकेत से बताते हैं। दोनों अंपायर के पास 3 रंग के कार्ड होते हैं, हरा कार्ड, पीला कार्ड और लाल कार्ड। और अगर कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो उसे हरा कार्ड दिखाया जाता है, उसे चेतावनी दे दी जाती है। जब अंपायर किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाता है तो खिलाड़ी को 5 या 10 मिनट के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है। लाल कार्ड दिखाए जाने पर खिलाड़ी को कुछ समय के लिए या फिर पूरे खेल से बाहर किया जा सकता है। अंपायर ये निर्णय तब लेते हैं जब कोई खिलाड़ी अंपायर के साथ दुर्व्यवहार करे, कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के कपड़े फाड़ने का प्रयत्न करे या उसे चोट पहुंचा दे, आक्रामक को जो खिलाड़ी सावधान करे, खिलाड़ी बार बार बोले और अंपायर के निर्णय से संतुष्ट ना हो, ऐसी स्थिति में लाल कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को दंड दिया जाता है। कबड्डी के खेल में 2 सीमा निरीक्षक होते हैं जिन्हें लाइनमैन कहते हैं। ये दोनों लाइन से संबंधित निर्णय लेने में अंपायर की मदद करते हैं। आउट होने वाले खिलाड़ियों का हिसाब भी लाइनमैन रखता है। आउट खिलाड़ी प्रतीक्षा कक्ष में क्रम से बैठा दिए जाते हैं। खेलने वाले खिलाड़ियों का लेखा भी लाइनमैन रखते हैं। कबड्डी के मैच में एक गणक होता है जिसे स्कोरर भी कहते हैं। ये स्कोरर यानी गणक गणक पत्र में दोनों दलों के खिलाड़ियों के नाम और नंबर भी लिखता है और साथ ही उनके अंक लिखता जाता है। खेल के मध्यांतर पर यह अंकों को घोषित करता है और खेल के समाप्त होने पर दोनों टीमों के अंकों को
स्कोरर ही बताता है। स्कोरर खेल शुरू होने का समय, टाइम आउट का समय, मध्यांतर का समय और खेल समाप्ति का समय लिखता है। रेफरी और अंपायर नियमों का अभ्यास करके आते हैं। रेफरी और अंपायर अपने साथ घड़ी, सीटी, सिक्का, पेंसिल, पेन व कागज लेकर आते हैं। कबड्डी का मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले मैदान की जांच करते हैं, खिलाड़ियों के नाखूनों की जांच करते हैं और देखते हैं कि किसी खिलाड़ी के पास मेटल की वस्तु जैसे अंगूठी, घड़ी व कड़ा आदि ना हो, और साथ ही वो ये भी जांच करते हैं कि किसी खिलाड़ी ने अपने शरीर पर तेल ना लगाया हो। हर खिलाड़ी के सीने व पीठ पर सही नंबर की जांच करते हैं। रेफरी मैच के शुरू होने से पहले सीटी बजाता है ताकि खिलाड़ी खेल के लिए तैयार हो जाएं। दोनों ही टीमों में 12-12 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों में से 7-7 खिलाड़ी एक समय में खेलते हैं, जबकि बाकी के 5 खिलाड़ी प्रतीक्षा में बैठते हैं। पुरुषों के लिए खेल का समय 40 मिनट होता है। प्रथम पारी 20 मिनट की, मध्यांतर 5 मिनट का और दूसरी पारी 20 मिनट की। खेल शुरू होने से पहले समय लिख लिया जाता है और दूसरी पारी खत्म होने से 5 मिनट पूर्व 1-1 मिनट के बाद समय की घोषणा कर दी जाती है। इसी प्रकार महिलाओं का खेल 30 मिनट का होता है। प्रथम पारी 15 मिनट की, 5 मिनट का मध्यांतर और दूसरी पारी 15 मिनट की होती है। इन बच्चों को भी उसी तरह खेल खत्म होने से 5 मिनट पूर्व 1-1 मिनट के बाद घोषणा कर दी जाती है कि आपका समय होने वाला है। 5 मिनट के आराम के बाद दोनों टीमें पाला बदल लेती हैं। मध्यांतर के समय जो खिलाड़ी मैच खेल रहे होते हैं वही खिलाड़ी बचा हुआ खेल भी खेलते हैं। सिक्का उछालकर रेफरी टॉस करता है। जो कप्तान टॉस जीतता है वो या तो पाला लेता है या फिर आक्रमण लेता है। एक टीम एक हाफ में 3 बार टाइम आउट ले सकती है, जिसमें प्रशिक्षक अपनी टीम को दिशा निर्देश दे सकता है। एक सांस में कबड्डी शब्द का बोलना कांट कहलाता है। सांस दोबारा भरने को सांस टूटना माना जाता है। कबड्डी शब्द की शुरुआत और अंत एक ही सांस में होनी चाहिए। जो खिलाड़ी एक सांस में कबड्डी कबड्डी कहते हुए विपक्षी दल के कोर्ट में यानी उसके पाले में जाता है वो आक्रामक कहलाता है। दूसरी टोली विपक्षी कहलाती है। खिलाड़ी अपने कोर्ट से सांस लेकर विपक्षी के पाले में जाता है और वापस अपने कोर्ट में आने तक वो अपनी सांस को कायम रखता है। आक्रामक खिलाड़ी बिना किसी नियम को तोड़े हुए विपक्षी दल के जितने खिलाड़ियों को छूता है उतने ही अंक आक्रामक टीम को मिल जाते हैं और जिन खिलाड़ियों को छू लिया जाता है वो आउट हो जाते हैं। लेकिन आक्रामक को अगर विपक्षी दल के खिलाड़ी सभी नियमों का पालन करते हुए पकड़ लेते हैं और उसे मध्य रेखा पर जाने से रोक लेते हैं तो विपक्ष को अंक मिल जाता है और आक्रामक आउट हो जाता है। जानबूझकर खिलाड़ी को मैदान से धक्का देकर बाहर निकालने पर विपक्षी टीम को एक अंक मिल जाता है। एक टोली यानी टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाएं तो दूसरी टीम को लोना के रूप में 2 अंक अधिक मिलते हैं। खिलाड़ी जिस क्रम से आउट होते हैं उसी क्रम में 1-1 विपक्षी आउट होने पर जीवित हो जाते हैं। जिस टीम के अधिकतम अंक बनते हैं वो टीम जीत जाती है। दोनों टीम अगर बराबर अंक ले लें तो रेफरी 5-5 मिनट का अधिक समय देता है। 10 मिनट के बाद भी अगर हार जीत का फैसला नहीं हो पाता तो मैच का निर्णय सडन डेथ पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में अंपायर दोनों टीमों के 5-5 खिलाड़ियों का नाम लेता है और 1-1 खिलाड़ी कबड्डी के लिए जाता है। जो टीम अधिक अंक बना लेती है वही मैच को जीत जाती है। खेल के समय यदि कोई खिलाड़ी मैदान की सीमा से बाहर चला जाता है तो वो आउट माना जाता है। संघर्ष के समय लॉबी मैदान के अंदर मानी जाती है। केवल एक खिलाड़ी जो आक्रामक है
वही दूसरे कोर्ट में जा सकता है। आक्रामक का सांस टूटने से वो आउट माना जाता है। आक्रामक विपक्षी के कोर्ट में पकड़ा जाता है तो एक अंक विपक्षी टीम को मिल जाता है। विपक्षी दल के खिलाड़ी यदि आक्रामक खिलाड़ी का मुंह या गला दबा दें, उसे अनुचित तरीके से पकड़ें या उसके पैरों में कैंची लगा दें, तो आक्रामक खिलाड़ी अपने कोर्ट में सुरक्षित माना जाता है। किसी खिलाड़ी को चोट लगने पर कप्तान टाइम आउट मांग सकता है। अगर रेफरी को यह लगता है कि खिलाड़ी को चोट अधिक लगी है, तब वो उसके बदले में दूसरे खिलाड़ी को खेलने की इजाजत दे सकता है। एक बार खिलाड़ी को बदले जाने पर दोबारा वही खिलाड़ी मैदान में नहीं आ सकता। ये टाइम आउट 2 मिनट का होता है। खिलाड़ी उसी स्थान पर बैठते हैं जो स्थान उन्हें बैठने के लिए बताया जाता है। मैच खत्म होने के बाद भी वो उसी स्थान पर जाकर बैठते हैं। खिलाड़ी मैच के समाप्त हो जाने पर अंपायर और रेफरी के आसपास भीड़ नहीं कर सकते। किसी खिलाड़ी को कुछ बताना हो तो वो पहले अपने कप्तान से बात करेगा, फिर कप्तान अंपायर और रेफरी से अपनी बात करेगा। कबड्डी को खेलने से पहले शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है। इसे वार्म अप भी कहते हैं। कबड्डी के खिलाड़ियों को कबड्डी खेलने के लिए विशेष तकनीक भी सिखाई जाती है, जिससे खिलाड़ी खेल को और अच्छे तरीके से सीखें और खेलें। कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी खेल कोई भी हो उसे अनुशासन के साथ खेल नियमों का पालन करते हुए खेल भावना से ही खेलना चाहिए। इससे खिलाड़ी को प्रसन्नता होती है, खेलने से स्वस्थ बनता है, खिलाड़ी सदैव स्वस्थ रहता है और यही एक खेल की खूबी है। यद्यपि कबड्डी का खेल कई प्रकार से खेला जाता है लेकिन आजकल एक नए प्रकार की कबड्डी भी शुरू हो गई है जिसको बीच कबड्डी के नाम से पुकारा जाता है। यह समुद्र के किनारे, नदी के किनारे या रेतीली जगह पर खेली जाती है, किंतु कबड्डी तो बहुत ही मशहूर हो चुकी है, हर स्तर पर इसकी प्रसिद्धि है। यह खेली जाती है एशियाई खेलों में, साउथ एशियन खेलों में और अब हम सब मिल करके ये प्रयास करें कि कबड्डी ओलंपिक खेलों में भी शामिल कर ली जाए जिससे भारत का गौरव बढ़े और हमारा ये भारतीय खेल ओलंपिक में भी खेला जा सके। इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना है।